नॉट एवरी वन इज़ फॉर्चुनेट इनफ कि कुछ लोग डेली स्ट्रगल करते हैं कि अपनी ज़िंदगी के बारे में कि यार पूरा ज़िंदगी गुजर जाती है मतलब घर बनाने में शायद हम शायद एक रेट रेस में हैं उसमें, और जवानी में तो आमतौर पर लोगों को इस चीज़ की अवेकनिंग नहीं मिल रही होती। वो समझते हैं कि यार जैसे जुमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, ये दीन भी चल रहा है, दुनिया भी चल रही है, मगर हम अपना प्रोफेशन तो नहीं ना इसके लिए छोड़ सकते। यू हैव इन अ वे कॉम्प्रोमाइज योर शोबिज वर्ल्ड एंड योर करियर एज अ यू नो व्हिच वाज ऑन द ग्राफ। वो पहली तो बात ये कन्फ्यूजन है कि आपने छोड़ दिया है या अलिफ जैसे ड्रामे करते रहे। यार देखिए, अगर तो सवाल ये कि क्या मैं इसको हराम समझता हूँ इस काम को, हाँ, जैसे मौसीकी है, ड्रामा है, फिल्म है, फनून लतीफ़ा है, तो मैं जिस नतीजे पे पहुँचूँ ये हराम नहीं है। ओके, अल्लाह ताला के बताए हुए जो दायरे कार हैं, तो खास तौर पे सूरह आराफ आयत 33-34 के अंदर, ठीक है, अगर उसके अंदर रह के किया जाए ये हराम नहीं है। यार मैं दायरे कार भी बता दूँ, लोग कहते हैं कौन सा दायरे कार, वो क्या है? सूरह आराफ में, और ये सारे भाई बैठे मुझे बताएं बात क्लियर है कि नहीं। अल्लाह ताला सूरह आराफ में आपको वो चीज़ दे रहे हैं जिससे आपके जहन में ही हलाल हराम की बहस ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्या हलाल है क्या हराम है। सूरह आराफ आयत 33 है या 34 है, अल्लाह ताला कहते हैं देखिए ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपसे पूछते हैं कि हमने हराम क्या करार दिया, तो इनको बता दीजिए कि हमने सिर्फ ये पांच चीजें हराम, ये वही चीजें जो गांधी साहब भी बोल रहे हैं, ये बोलते हैं। और कुरान में देखिए खाने पीने की चीजें, एक तो सुअर है हराम है, शराब हराम है, खमार जो वो नशा वाली चीज हराम है, ये ओवरऑल अल्लाह ने पांच कैटेगरीज बना के इंसान पे इतना बड़ा एहसान किया कि इफ यू टेक दिस एज अ इंडिकेटर यू कैन नॉट गो रॉन्ग, अगर दयानतदार हो, ठीक है। अल्लाह ने कहा पहली चीज मैंने हराम की है फहाशी, बदकारी, चाहे वो खुली हुई हो या छुपी हुई हो, ठीक है। वेरी इजी टू डिफाइन, एनी बिहेवियर व्हिच इज सेक्सुअल आउटसाइड ऑफ मैरिज इज हराम, चाहे खुला हो या छुपा हो, इसकी सजा 12 है। ये हमारे मोस्टली मर्द इसमें फेल हो रहे हैं, खवातीन की तो माशरे के ऊपर एक माशरे के ऊपर है जिसमें ज्यादा मर्द फेल हो रहे हैं। दूसरी चीज अल्लाह ने कहा हमने किसी की हक तलफी को मना किया, ठीक है, कि किसी का कोई ड्यू राइट बनता हो और आप उसको वो ना दे, अल्लाह कहते मैंने हराम किया। तीसरी चीज अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी की जान माल और इज्जत के खिलाफ नाहक इकदाम, एक तो है ना कि कानून आपको कहेगा यार इसको फाइन कर दो, जेल में डाल दो, नाहक इकदाम उसको हमने हराम करा दिया। चौथी चीज अल्लाह ताला कहते हैं कि कोई ऐसी बात करना जो आपको पता ना हो अल्लाह ताला के बारे में उसको हराम करा दिया। अपनी तरफ से एडिशन अल्लाह ताला पे झूठ मांगना, सही है, कि अपनी तरफ से कोई करके और कहना जी ये अल्लाह का दीन, अल्लाह ने कहा ना करो, गलती हो गई अल्लाह माफ कर देगा, डिलिबरेटली ना। पांचवी चीज अल्लाह कहते हैं कि मैंने जानते बूझते शिर्क को हराम किया, कि अल्लाह के साथ किसी को पार्टनर एसोसिएट करना। अगर ये पांच चीजें यार किसी भी चीज में पाई जाएंगी वो हराम हो जाएगी। लेकिन अब सूद भी इसी की इम्प्लीकेशन है, सूद हक तलफी है, सूद आपके ऊपर जुल्म है, जान माल माल के खिलाफ जुल्म है, बाकी सब चीजें इसकी सब कैटेगरी है। ये किसी मीडिया में पाया जाएगा, इन पांच में से कोई किसी गाने के लिरिक्स में कोई चीज़ होगी, कोई विजुअल्स में होगी, कोई स्कल्पचर आप बना देंगे जिसमें बदकारी का या वर्शिप का एलिमेंट होगा, वो हराम हो जाएगा, बाकी हलाल है। Then why aren't you doing it? I am not doing it because honestly saying I can't find enough time. Okay. And I don't have a reason enough to do it because मैंने अपनी जिंदगी अब इस बात में गुजारने में एक में फैसला किया है कि लोगों को उस हकीकत के बारे में बार बार झंझोड़ा जाए जो कि आने वाली जो बहुत बड़ी जजमेंट डे है, बीइंग आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ गॉड। वो पहले मैंने अलिफ में एक एक्सपीरियंस किया कि उसको एक एंटरटेनमेंट के मीडियम से लेके जाया जाए लोगों के पास, बट व्हाट आई नोटिस्ड इज कि फिर लोग ना क्राफ्ट के ऊपर ज़्यादा बहस और उसको बात करते हैं कि आपकी एक्टिंग अच्छी थी, सज्जल की ऐसी थी, उसकी ऐसी थी, उसकी ऐसी थी। आई बिलीव इसकी ये बात ना डायरेक्टली कहने का वक्त आ गया, बिकॉज ये जमाना ऐसा है जहाँ पे ऑलरेडी देयर आर टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है, इंटरटेनमेंट की डिस्ट्रैक्शंस हैं, बाकी 500 डिस्ट्रैक्शंस हैं हमारी, मतलब हाथ में ऐसी डिवाइसेस आ गई हैं जो व्हिच आर फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ये जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमान में पैदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहता हूँ ये ज्यादा प्रॉब्लम की बात है कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हो गए जहाँ पे आप कहते हैं मुसलमान है और हर तरफ बात हो रही है, ये ज्यादा खतरनाक बात है, ठीक है। तो इसलिए ये मैं एस्पेक्ट हाईलाइट करना चाहता था। और आपने जो पहले पूछा कि लोगों को माश के प्रॉब्लम्स होते हैं जिंदगियों में, करियर्स भी होते हैं, बिल्कुल होने चाहिए। देखिए मैं तो अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं अपना पूरा टाइम दे दूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि हम तुम्हारी उतनी ही जवाबदेही करेंगे जितना तुमको दिया गया, जितना वक्त दिया, जितने रिसोर्सेज दिए, जितना आईक्यू दिया, जितनी फरागत दी, उस हिसाब से ही जवाब दी, ठीक है।
तो जितना आप कर सकते हैं, यानी कि हलाल माश कमाना भी तो इबादत है, ठीक है, अपने खानदान की खिदमत करना भी इबादत है, उसके बाद जो आपका वक्त निकलता है उसमें आई बेग ऑल ऑफ द ऑडियंस, स्पेशली जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तो ये बड़ा शॉर्ट विंडो है हमारे पास, ठीक है, टू आस्क द क्वेश्चन दैट ओनली वी कैन आस्क. सो आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन के इसी से लिंक्ड है कि यू अनाउंस्ड अबाउट योर बुक दैट यू राइटिंग ऑन बॉर्ड. मुझे उसमें थोड़ा सा, आपको लगता नहीं था कि शायद थोड़ा सा अर्ली था, लोग भी रिएक्ट कर रहे थे इस तरह से कि यार शायद कोई मतलब नियत तो कोई किसी ने जानता होता कि पब्लिसिटी स्टंट है या ये वो, मगर आई नो यू एंड आई नो कि आप किस तरह सोच रहे होगे, बट एक की बड़ी जिम्मेदारी, और फिर ऑफ कोर्स मतलब यू हैव अ लाइफ आल्सो, यू हैव माशाल्लाह फैमिली, पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो ये बड़ा एक बड़ी एक इंटॉलरेंस है इस चीज़ के ऊपर. आई थिंक हम बुक को ना बहुत ओवर एस्टिमेट करते हैं कि चीज़ क्या होती है. बेसिकली वही है कि व्हाई एम आई द वे आई एम, मेरी, क्योंकि हर जगह सवाल ये होता ना कि आपकी जर्नी क्या थी, कौन सी बातों ने आपको कन्विंस किया कि यार ये हकीकत है. उसको आई थॉट इन अ वेरी सिंपल वे पुटिंग इट इन राइटिंग, ताकि जब मैं किसी से बात करूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में इसको मिशन बनाया हुआ है कि जहाँ भी बात करनी है अल्लाह की ही बात करनी है, और इस आखिरत की और जजमेंट डे की करनी है, तो पहले से कुछ पता होता कि वही रिपीट पे ना सवाल चल रहे हैं कि जर्नी क्या थी, व्हाट लेड यू टू बिलीव इन दिस. So it's not a academic book, if you ask me. It's more of my reasoning why I am the way I am. Alright. और उसमें time निकल आता है, बल्कि थोड़ा मुझे जब लग रहा है book लिखना serious काम है, तो पहले मैं कहता जून तक I'll be done. मैं exactly ये बोलने लगा था कि मेरी जब last year आपसे बात हुई थी, New Year's की जून तक आ जाएगी. हाँ, वो first draft तो लिखा है, लेकिन अब जब मैं एक एक line लिख रहा हूँ ना, ठीक है, मुझे एहसास हो रहा है कि यार इस पे 10 बार सोचना पड़ता है, तो मैंने उसकी टाइमलाइन एक्सटेंड कर दी है. ऑलराइट, हो सकता है 6 महीने और लग जाए. अच्छा, तो सेफली ये भी बोला जा सकता है कि यू हैव टेकन दिस एज अ प्रोफेशन आल्सो, लाइक YouTube चैनल के बारे में जब. नहीं, नॉट प्रोफेशन, बिकॉज़ इन अ प्रोफेशन देयर इज एन एलिमेंट ऑफ गेटिंग पेड. आई विल नेवर गेट पेड फॉर दिस. सो जो पुराने जमाने में Facebook पे स्टेटसेस होते थे, वो कभी कभार याद आ जाते हैं. पहले तो बड़ा फ्रीली हर बात पे भाई, ये भी वो भी, जो दिल करता था ओपिनियन जो है सही. और एक तो मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं बहुत चीज़ों के बारे में गलत भी था, ठीक है. दूसरा एहसास ये हुआ कि यार मेरे हर लफ्ज़ की जवाब दी होंगी, तो इसलिए बस फिर मैंने बेहतर यही समझा है कि अब एक ही चीज़ के बारे में बात करनी है. ऑलराइट, और वो यही है, क्योंकि बाकी चीज़ों के ऊपर अगर मैं ओपिनियंस अपने फिर देना शुरू हो गया, तो वो ना वो बनता जाएगा, पायला पोता जाएगा, और आखिर में पूछा जाएगा, हाँ भाई आपने ये कहा था, आपने ये भी कहा था, ये भी कहा था. ये जो जिंदगी का ट्रैक है, इस पे फैमिली का सपोर्ट होना कितना जरूरी है? यार सबसे बड़ी ब्लेसिंग यही है कि, और मेरी फैमिली शुरू से कोई रिलीजियस नहीं थी, मैंने जब ये बताना शुरू किया, आई थिंक वी एज अ फैमिली हैव ग्रोन टुगेदर इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, मेरी वालदा, मेरी बहन तो खैर हर चीज़ में मुझे सपोर्ट करती है, बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि अल्लाह ने ऐसी बहन दी मुझे. मेरी वालदा और अब माशाल्लाह मेरी बीवी, राइट, दे आर नॉट जस्ट सपोर्टिंग मी, दे आर ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन. तो ये बहुत बड़ी अल्लाह की एक तौफीक है, ठीक है, कि न सिर्फ आप एक रस्ते पर हैं, बल्कि आपके साथ आपका खानदान भी. जब कोई बुराई देखो, तो जब जुल्म देखो, बुराई देखो, तो कोशिश करो अगर आपके इख्तियार में, यानी कि अगर आप अब आजकल इदारे हैं, किसी इदारे में हैं, बोले तो अपने हाथ से रोको उसको. अगर ये नहीं कर सकते तो उसको कहो कि ये बुरी चीज़ है, और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में ही बुरा समझ लो, ये तो आखिरी स्टेज है. तो ये तो आप दीन की भी तालीम यही है. बेशक, बट पीपल हैव बिकम जनरली वेरी इनडिफरेंट, यू नो, कि यार वो उनका एटीट्यूड बड़ा इनडिफरेंट हो चुका है, और वो इसको वर्ड देते हैं टॉलरेंस का, यू नो, कि यार जो, यू नो, जो आपको लाइफ सूट करती है, वट एवर सूट्स यू, तो ये चीज़ बड़ी जरूरी है टू कोएग्जिस्ट. डू यू एग्री विद दैट? आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट, एंड आई डिसएग्री विद द पार्ट कि पीपल हैव बिकम वेरी इंडिफरेंट. आई थिंक पीपल हैव बिकम वेरी हॉकिश. आई थिंक ट्विटर के ऊपर जो हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं, कोई एक को बैश कर रहा है, दूसरा उसको बैश कर रहा है, कोई किसी को बैश कर रहा है, मेरा तो ख्याल है कि लोग बहुत हाइपर हॉकिश हो गए. और ये जो दूसरी आपने बात की कि यस यू आर फ्री टू लिव इन व्हाटएवर वे यू वांट, अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है
कि दीन में कोई जबर नहीं है, चाहे शुक्र इख्तियार करो चाहे कुफर इख्तियार करो, ये असल में सारा मामला ही चॉइस पे है। ठीक है, जहाँ पे हम गलती खाते हैं वो ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि पैगाम पहुँचाओ, ठीक है, हम पैगाम को ठूंसना चाहते हैं, ठीक है, ये दीनी लोगों का प्रॉब्लम है।